माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू राइडिंग मैनिया वंस अगेन। इस बार फिर से मैं उत्तराखंड के राइड पे निकल चुका हूँ। हम काफी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, काफी कुछ जगह को विजिट करने वाले हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं नैनीताल से ऊपर धानाचूली की तरफ। धानाचूली एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ पर हम पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। इस ऑल उत्तराखंड राइड पे जो हमारा पहला राइड होगा वह होगा लिपू लेक का, जिसे मुझे इस बार भी अटेम्प्ट करना है। मतलब इसी साल मैं जनवरी के महीने में कोशिश किया था बट लिपू लेक तक नहीं पहुंच पाया था बिकॉज ऑफ रोड ब्लॉकिंग एंड ऑल। सबसे पहले मैं जाऊंगा धारचूला से मैं परमिशन ऑब्टेन करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा लिपू लेक की तरफ, काला पानी की तरफ। यह जो राइड की शुरुआत हुई थी वह मेरे घर से हुई थी सुबह के 3:30 बजे। अभी करीब 11:30 बज रहे हैं। 350 किलोमीटर प्लस मैं कवर कर चुका हूँ। चलिए इस राइड के शुरू में आपको लेकर चलते हैं, यानी अपने घर पर मैं लेकर चलता हूँ जहां से मेरी राइड की शुरुआत हुई थी एट 3:30 AM टुडे। गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर्स, और अभी एक और राइड के लिए हम तैयार हो चुके हैं। इस बार हम जा रहे हैं ऑल उत्तराखंड और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30। तो चलिए अपने इस राइड को शुरू करते हैं भोले बाबा के नाम पे, भोलेनाथ सबके साथ। लेकिन मेरा पहला टारगेट है हल्द्वानी के बाद नैनीताल, भुवाली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तो हमने कई बार कवर किया है। यह तो एक जनरल रूट है लेकिन इस बार हम कुछ हटकर करने वाले हैं, एक डिफरेंट रूट, एक ऐसा रूट जो अनएक्सप्लोर्ड हो, एक ऐसा रूट जिस पर कम राइडर्स जाते हो। यह मेरा दूसरा अटैम्प्ट होगा लिपू लेक का। लास्ट टाइम इसी साल जनवरी में मैंने अटैम्प्ट किया था और लमारी से मुझे वापस होना पड़ा बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल। सो फ्रेंड्स, हम अभी पहुंच चुके हैं मथुरा रोड पे और यहां से लेते हैं लेफ्ट। तो व्यूअर्स, अभी हम हैं नेशनल एक्सप्रेसवे थ्री को हम क्रॉस कर रहे हैं और नोएडा को हमने ऑलरेडी बाईपास कर दिया है। अभी हमें पहुंचना है गाज़ियाबाद को भी बाईपास करते हुए हमें बढ़ना है आगे। यार, जब आप सोलो निकलते हो ना तो बहुत सारी परेशानी होती है, फिर एक्साइटमेंट भी होता है, इन्जॉयमेंट भी होता है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं हापुर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। हापुर से 5 किलोमीटर मैं आगे हूँ। थोड़ी चाय पीने की इच्छा हो रही थी तो मैंने चाय पिया है यहाँ पे और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ मुरादाबाद के लिए, भोलेनाथ सबके साथ। अभी तक मुझे कोई भी बाइकर नहीं मिला, एक भी राइडर नहीं। बाइकर तो मिला है यार, बाइकर तो सामने भी एक बाइकर दिख रहा है लेकिन राइडर नहीं मिला है मुझे अभी तक। ये भी एक बाइकर जो एवेंजर से है और मेरे साथ कंपटीशन कर रहा है। तो अभी फिर यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय पीने की इच्छा काफ़ी हो रही है आज, तो यार चाय पीते हैं फटाफट, 5 मिनट लगेगा और फिर निकलते हैं। अभी समय हो गया है 5:55। आप है क्या? चाय बना दीजिए जरा। हाँ, शहबाजपुर डोड नाम का एक जगह है, गजरौला में पड़ता है। यह है राजू तरका ढाबा, यहाँ पर मैंने चाय पिया है और आज सुबह का मेरा यह दूसरा चाय था। एक चाय मैं हापुर के आसपास पिया था, दूसरा यहाँ पर गजरौला पे। और बस यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मैं बड़े बड़े ढाबे में मैं रुकता नहीं, मैंने देखा कि छोटा सा ढाबा है तो मैं यहाँ रुका। ये भाई साहब यहाँ पर एक बिल्ली पाल रखे हैं और एक लड़का यहाँ पर अभी तक सोया हुआ है। चलिए भाई साहब, ठीक है, मिलते हैं। हाँ चलिए, थैंक यू। भोलेनाथ सबके साथ। और यहाँ से मुरादाबाद अभी है करीब 50 किलोमीटर। तो भाइयों, हम अभी क्रॉस कर रहे हैं मुरादाबाद। ये मुरादाबाद बाईपास रोड है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7, तो मेरा टारगेट था कि 9 बजे तक हल्द्वानी पहुँचने का और मोस्ट प्रोबेबली मैं उससे पहले ही पहुँच जाऊँगा। रामपुर यहाँ से है 17 किलोमीटर और सामने आप देख रहे हैं एक टोल प्लाजा और सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30। हल्द्वानी यहाँ से दिखा रहा है गूगल
डेढ़ घंटे, यहाँ से डेढ़ घंटे हल्द्वानी के लगेंगे। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रामपुर, रामपुर सिटी, और आगे 500 हल्द्वानी यहाँ से है 65 किलोमीटर, रुद्रपुर 45 किलोमीटर, बिलासपुर 30 किलोमीटर। मीटर के बाद हमें मुड़ना है लेफ्ट। तो अभी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रुद्रपुर है, 3 किलोमीटर। अच्छा, 3 किलोमीटर जी। तो अभी 9 बजने में अभी 15 मिनट बचे हुए हैं जी। तो फरीदाबाद से यहाँ तक का दूरी हम बिल्कुल समय पर तय कर चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पर फेस वॉश किया है और सिकंजी भाई साहब ने बनाया है, बहुत बढ़िया। इन्होंने बोला कि याद करोगे। आपका नाम क्या हुआ? ऋषि सैनी। सैनी जी, ऋषि। अच्छा, ऋषि सैनी। तो ये ऋषि सैनी जी है और यहाँ पर बहुत कई सिकंजी की दुकान है, पर इनका दुकान मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों अच्छा लगा। रेलवे क्रॉसिंग पर, रेलवे क्रॉसिंग पे रुद्रपुर से 3 किलोमीटर पहले जी। तो वहाँ पर मैं सिकंजी अभी पी रहा हूँ। तो अभी हम हल्द्वानी पहुँच चुके हैं और यहाँ मैं कुछ जगह के बारे में पता कर रहा था कि कौन सा रूट बेहतर रहेगा। तो यहाँ से भीमताल होते हुए हमें जाना है धानाचुली। धानाचुली जाने के बाद फिर आगे का रूट हम तय करेंगे। धानाचुली यहाँ से है 56 किलोमीटर की दूरी पे। हमें करना है नाश्ता या खाना, वाट एवर, क्योंकि अभी तक हमने ना तो नाश्ता किया है ना खाना खाया है, सिर्फ 2 कप चाय और 1 बिस्किट। तो चलिए, हल्द्वानी होकर हम क्रॉस कर रहे हैं और हल्द्वानी के बाद हम सीधा चलेंगे भीमताल होते हुए धानाचुली, विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। धानाचुली पहुँचेंगे हम करीब 2 बजे, 2 बजे तक तो डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। वहाँ जाकर फिर अगला जो भी हमारा रूट होगा वो हम डिसाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पहाड़ में एंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने पहाड़। सो यहाँ से धानाचुली 50 किलोमीटर, करीब 50 किलोमीटर होगा। उसके पहले हमें करना है नाश्ता। तो यहाँ रुका था थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए, बट यहाँ पर मीनू तो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बना रखा है, खाने को कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 30 रुपये का राजमा चावल खाया है, हाफ प्लेट। चलिए, पेट में कुछ जान आ गई, फिर आगे देखते हैं। तो काठ गोदाम से निकलने के बाद हम पहुँच गए हैं भीमताल रोड पर। भीमताल की दूरी है यहाँ से 10 किलोमीटर। तो धानाचुली वैसे भी मैं खुद नहीं गया हूँ उस रूट पे, और वैसे भी यह रूट अनएक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड फॉर सो मेनी राइडर्स। तो चलिए देखते हैं धानाचुली आखिर है कैसी जगह। सो फ्रेंड्स, हम अभी भीमताल पहुँच चुके हैं, राइट साइड में भीमताल है। अभी हम भीमताल क्रॉस करके धानाचुली रोड पर हैं और यहाँ से हमें होना है राइट। और यहाँ से हमें सीधे जाना है। तो टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 500 प्लस मीटर तो हम ऑल्टीट्यूड पे आ ही चुके हैं, तो थोड़ी टेम्परेचर डाउन हुई है। तो अनदर 20 किलोमीटर्स आई हैव टू ट्रेवल टू रीच धानाचुली। वाह 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 वाह, क्या मस्त रोड है। और पदमपुरी यहाँ से है 7 किलोमीटर की दूरी पर, और पदमपुरी से आगे धानाचुली शायद 7-8 किलोमीटर ही होगा। अभी धानाचुली हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पहाड़ पानी। पहाड़ पानी यहाँ से है 6 किलोमीटर। हेलो, यस, राइडिंग मैनियर, आप कौन बोल रहे हो? ओके, व्हाट्स योर नेम? अच्छा, अभिषेक चौधरी। अच्छा, यू हैव गॉट ए चैनल नो, अनबॉक्सिंग वन सेल्फ। ओके, नहीं, मैं अभी ना पहाड़ पानी से पहले हूँ, तो अभी पहाड़ पानी 5-10 मिनट में पहुँचूँगा। ओके ठीक, आप राइट पे हो क्या? ठीक है, आकर मिलता हूँ आपसे। ओके ओके। अरे हाँ हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, उत्तराखंड से हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ इलीपुलेट तरफ। तो मैं भी वही जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं भाई मेरे। लेकिन मैं तो, मुझे तो डरा ही दिए थे यार, उत्तराखंड का हूँ, ऐसे कट मार रहे थे। कोई मैंने सोचा कोई राइडर ऐसे भाव तो देता नहीं अपने को।
चलो ठीक है, सो वी आर फ्रेंड्स। और अभी का राइड जो है, मैं ऑल उत्तराखंड राइड पे निकला हूँ, आप मैं आपके साथ हो जाऊंगा, दगड़ लग जाऊंगा आपके। ग्रेट ग्रेट, चलिए चलिए चलिए, अरे मजा आएगा, फिर मजा आएगा बॉस, मजा आएगा। चलिए फिर आगे रुकते हैं और आराम से बैठ के बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। कैंपिंग भी करते हो? हाँ हाँ, सारा सामान लेकर चलते। अरे बिल्कुल कैंपिंग करेंगे दोनों भाई। तो ये बंदा स्टाइलिश है यार, थोड़ा कट मारने की आदत है इसको, बट बढ़िया बंदा है यार, इसके साथ मज़ा आएगा। और हम, मैं अकेला निकला था और इसके साथ हो गया, तो हम दो हो गए और फिर आगे का राइड मज़े से कटेगा। फ्रेंड्स आफ्टर इट्स व्हाट टाइम इट इज़? इट्स 1:30 एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री, सो एट द मोमेंट आई एम एट पहाड़ पानी ना, पहाड़ पानी एंड माई फ्रेंड अभिषेक एंड वी आर हैविंग लोकल फूड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज चुरगानी। चुरगानी, ये चुरगानी है, एक्सट्रीमली टेस्टफुल, सिम्स टेस्टी एंड दिस इज राइस एंड लोकल साग। तो चलिए हम खाते हैं अभी फटाफट, भूख लगी है। मेरा थोबड़ा देखकर आपको लग रहा हो कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, बिकॉज आई हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर्स टू रीच हियर एंड आई हैवंट हैड एनीथिंग, सो दिस इज़ माय फर्स्ट निवाला, यू नो। तो पहला निवाला है मेरा जो अभी ले रहा हूँ, चलिए इसको अभी हम लेते हैं। ये है हमारे त्रिलोक भाई का ढाबा, ये पहाड़ पानी में एक ढाबा है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने यहाँ पर खाना खाया है और बेहतरीन खाना, हर एक आइटम मैंने अप्रिशिएट भी किया है इनको। त्रिलोक भाई आइए इधर जरा, त्रिलोक भाई से मिलाइए। चलिए थैंक यू सो मच त्रिलोक भाई, हाँ आपका खाना बहुत ही अच्छा लगा, खासकर जो रायता था ना, और वो दाल टाइप का था, उसका क्या नाम है, भूल गया, भाटी, भटकी चुरकानी। अच्छा भटकी चुरकानी, आ हा हा, भटकी चुरकानी लाइफ में मैं पहली बार खाया हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए त्रिलोक भाई थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैंने अभी नाश्ता किया, नाश्ता क्या किया, खाना खाया, हाफ प्लेट चावल मैंने खाया, बट कितना बेहतरीन खिलाया इन्होंने, यहाँ का लोकल दाल, लोकल रायता, लोकल साग, चावल, मज़ा आ गया। मैं बता रहा हूँ कि अपने लाइफ में इतना स्वादिष्ट खाना मैंने किसी भी होटल में, किसी भी ढाबे में, किसी भी रेस्टोरेंट में मैं आज तक नहीं खाया था। तो मैं समझता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और वीडियो आपको बोर ना करे, इसीलिए मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आज का राइड यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना भी ना भूलें, अगर ज़्यादा पसंद आ गया है तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।